ईसीसीई के शब्द स्वरूप में हम लोगों ने उसे समझा है और हम सभी जान चुके हैं कि ईसीसीई संक्षिप्त रूप है अंग्रेजी के एक शब्द समूह का, जो शब्द समूह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जब हम इसका हिंदी स्वरूप बोलते हैं या लोगों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये बन जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। परंतु ईसीसीई वास्तव में है क्या, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? और यदि हमसे ये सवाल पूछा जाए कि ईसीसीई क्या है, शब्द रूप में तो आपने बता दिया कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा है, परंतु इसे लाने का ध्येय क्या है? इतना ज़्यादा जब इसका नाम लिया जा रहा है, इससे संबंधित कोर्स लाए गए हैं, तो ये ईसीसीई वास्तविक स्वरूप में है क्या, इसे स्पष्ट करें। और जब इस तरीके के सवाल हम लोगों से पूछे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार हम लोग अपने जवाब को तैयार कर रखेंगे और उन्हें बताएंगे। तो यहाँ ईसीसीई क्या है, इसे स्पष्ट करें। तो ईसीसीई शिक्षा शास्त्र की एक विशेष शाखा है। पहली बात कि क्या है यह, तो ईसीसीई शिक्षा शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चे के समग्र विकास से जुड़े सभी पक्षों एवं कारकों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तो हम उन्हें बताएंगे कि ईसीसीई शिक्षा शास्त्र की एक विशेष शाखा है, यह शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, उसकी एक विशेष शाखा है और जिसके अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चे के समग्र विकास, सभी प्रकार के विकास, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, सभी प्रकार के विकास से जुड़े सभी पक्षों एवं कारकों पर हम विस्तृत रूप से अपना ध्यान देते हैं और विस्तृत प्रकाश डाला गया है का मतलब है कि हमें सिखलाया गया है, हमें बतलाया गया है कि किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है। तो वो पुस्तक स्वरूप में, पाठ्यक्रम में दर्ज हैं, पर जब कार्य क्षेत्र में हमें काम करने होंगे तो हमें उन सभी पक्षों और कारकों को ध्यान में रखना होगा और उनके अनुसार हमें बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था को संवारने का प्रयास करना होगा। तो ईसीसीई के परिभाषा के रूप में हम सभी इसे याद रखेंगे। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये लिख देंगे कि ईसीसीई क्या है। आगे जब हम विस्तारित रूप में उन्हें बताते हैं या परीक्षा में लिखते हैं तो और कुछ क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं, वो इस प्रकार है कि इसका विस्तारित रूप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ईसीसीई, चूँकि अंग्रेजी का संक्षिप्त स्वरूप है तो इसका विस्तारित स्वरूप अंग्रेजी में बनता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इसका जब हम हिंदी स्वरूप बनाते हैं, जब इसको हम लोग हिंदी स्वरूप में परिवर्तित करते हैं तो वो बन जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो हम उन्हें बताएंगे कि इसका विस्तारित रूप ईसीसीई का विस्तारित रूप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। और यदि हम हिंदी में इसका विस्तारित रूप बताएं तो वो बनता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, और इसके अंतर्गत एक समग्र बालक अथवा बालिका की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाता है जिसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष सशक्त एवं सकारात्मक हों। और इतना सारा जब हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम ईसीसीई को भली भांति समझते हैं, और जब
ECCU को भली भांति हम समझते हैं तो हमारे कार्य भी उसके अनुरूप हो रहे होंगे, इसका विश्वास उन्हें होता है। तो इसके लिए आज जो कुछ यहाँ दर्ज है इसे हम सभी एक बार गहराई से पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे पढ़ें, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। उम्मीद है आप सभी ने इसे बिल्कुल पढ़ लिया होगा और इसे याद कर लें कि आपके बड़े काम की है, आपके ज्ञान और कौशल को ये जवाब दर्शाएगा और ये कार्य क्षेत्र में भी आपकी सहायता करेगा और परीक्षा के प्रश्न के उत्तर देते समय भी ये आपका सहयोग करेगा।